हेलो फ्रेंड्स, मनोरमा किचन में आपका स्वागत है। तो आज बनेगा मेरे किचन में लौकी से लड्डू, एकदम हेल्दी और टेस्टी। तो चलिए इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। और ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है, सुपर सॉफ्ट, सुपर टेस्टी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। लड्डू बनाने के लिए हम सबसे पहले लौकी लेंगे। लौकी एकदम नरम ताज़ा होना चाहिए, एकदम हरा हरा। तो हम लौकी को छील लेंगे, तो अच्छे से इसका छिलका हटा देंगे। देखो कितना नरम है, सॉफ्ट एकदम बिल्कुल। इसको छील के हम, तो ये देखिए मैंने सारा छिलका हटा दिया इसका। ऐसे अच्छे से इसको, इसे छील देना है। अब ये मैंने छील लिया। अब ये ऊपर नीचे का ये कट कर देंगे। एक कड़ा होता है तो इसे आप निकाल दीजिए, ये भी निकाल देंगे। अब इसको हम छोटे छोटे टुकड़े करेंगे। ये मैंने चार टुकड़े में कर लिया। इसे हम धो लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए मैंने धो लिया है इसे। अब चलिए इसे घीस लेते हैं। तो घिसने के लिए हम ये लौकी लेंगे और ये मोटे वाले से घिसेंगे। ऐसे घिसना है, घिसना है। जितना ये ग्रीन पार्ट है सब निकाल देना है, अंदर का व्हाइट ऐसे ही रहने देना है, बीज वाला पार्ट नहीं डालना है। तो ये देखिए मैंने सारा ग्रीन पार्ट निकाल दिया इसमें का। ये व्हाइट वाला ये नहीं डालेंगे हम, तो इसको हटा देंगे। इससे सब्जी उब्जी भी बना सकते हैं। सारा घिस के हम आपको दिखाते हैं लोग। तो ये देखिए मैंने सारा घिस दिया और ये बीच वाला बच गया है, ये देखिए। तो इसको आप सब्जी बना लीजिए। और ये देखिए मैंने कितना अच्छा घिस लिया ये। तो चलिए इसे हम भून लेते हैं। गैस जला के एक कढ़ाई रख दी है इसके ऊपर, और इसमें हम एक चम्मच के करीब घी डालेंगे, देसी घी। मैंने एक चम्मच घी डाल दिया। अब इसमें ये जो हम लौकी घिसे थे इसे भी डाल के भूनेंगे। लो टू मीडियम एकदम करना है गैस। लो टू मीडियम पे ही इसे भूनना है। इसका जितना पानी है सब सुखाएंगे हम। तो ये मैंने सारा लौकी घिसे थे ये डाल दिए। अब इसमें हम धीमा करके इसे भूनेंगे, सारा पानी सुखा देंगे। तीन चार मिनट में इसे हम भूनेंगे। ये देखिए पानी इसको अच्छे से सुखाना है। जैसे ही पानी थोड़ा सूख जाएगा तो हम इसमें चीनी डालेंगे। चीनी की जगह पे आप मिश्री भी ले सकते हैं, गुड़ भी ले सकते हैं। तो ये देखिए इसका पानी सूख गया, तो हम इसमें चीनी डाल देंगे। ये मैंने आधा कप चीनी ले लिया है, इसको डाल देंगे। चीनी डालने के बाद थोड़ा पानी छोड़ेगा तो उसको भी पानी हम फिर इसी में सुखा लेंगे, और लौकी भी थोड़ा गल जाएगा इससे, तो हम इसको भी सुखा भूनते हैं। तो ये देखिए चीनी गल गया और इसमें थोड़ा पानी छोड़ा है, अब इसे भी सुखा लेते हैं। तो
तो इसको हम थोड़ा सा ढक देंगे 2 मिनट के लिए। इसको हम देख लेते हैं, ये देखिए पानी इसका सूख गया है। अब इसमें हम लौकी भी थोड़ा गल गया है, इसमें हम थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे। ये देखिए मैंने थोड़ा सा फूड कलर थोड़े से एक बूंद पानी में डाल दिया, तो इसको हम लौकी में डाल देते हैं। तो हम इसको कलर को इसमें मिला लेंगे, ये खाने वाला कलर है, तो इसको अच्छे से मिला लेते हैं। तो ये देखिए मैंने कलर मिला दिया, अब इसमें हम डालेंगे मिल्क पाउडर। आप चाहें तो दूध भी डाल सकते हैं, मावा भी डाल सकते हैं, तो हम मिल्क पाउडर से बना रहे हैं, तो हम डाल देंगे ये 2/3 कप मैंने लिया है मिल्क पाउडर। तो इसे मिक्स कर लेंगे। तो इसको अच्छे से हम मिल्क पाउडर को मिला देंगे। और इसमें हम थोड़ा सा नारियल का बुरादा डालेंगे, 2/3 कप हम नारियल का बुरादा भी डाल देंगे, इसे फ्लेवर भी अच्छा आता है और ये बाइंडिंग हो जाएगा अच्छे से। तो ये मैंने नारियल और मिल्क पाउडर मिला दिया। अब इसमें हम 2 चम्मच देसी घी डालेंगे, 2 या 3 चम्मच डाल सकते हैं आप, मैंने 2 चम्मच डाला। अब इसको भी मिक्स कर लेंगे, अच्छे से इसे भूनेंगे। ये देखिए अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया घी भी। ये मैंने इलायची चीनी के साथ पीसा था, 1 चम्मच चीनी और 3-4 इलायची, तो इससे बारीक पीस जाता है। तो ये भी डाल देंगे इलायची भी, इसको भी मिक्स कर लेते हैं। और ये देखिए जैसे ही पैन छोड़ने लगे या आपका, तो ये हो गया अच्छे से भून गया। ये देखिए कैसे पैन को छोड़ दे रहा है, ये अच्छे से भुना भी गया, गल भी गया। तो हम इलायची मिला के इसको 1/2 सेकेंड के लिए हम ढक देंगे। तो चलिए ये देख लेते हैं, ये देखिए अच्छे से भुना गया। ये देखिए पैन का छोड़ दे रहा है, ये देखिए अच्छे से भुन गया। तो हम गैस को बंद कर लेते हैं। तो इसको हम ठंडा कर लेंगे, इसमें बड़े एक बर्तन लेंगे, इसमें निकाल देंगे कि ये ठंडा हो जाए। एकदम देखिए हलवाई जैसे मैंने बनाया है, ये देखिए इसको अच्छे से फैला दीजिए कि ये ठंडा हो जाए। तो ये ठंडा हो जा रहा, फिर हम लड्डू बनाते हैं, 5 मिनट इसे ठंडा करेंगे। ये देखिए ठंडा हो गया है, चलिए हम लड्डू बना लेते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से लड्डू बन रहा है। इसे अच्छे से एकदम, ये देखिए ऐसे ही सारा लड्डू बना लेते हैं हम फटाफट। तो ये देखिए मैंने सारा लड्डू बना लिया, ये देखिए सारा लड्डू बन के रेडी हो गया। तो चलिए इसे हम सर्व कर लेते हैं फटाफट। मार्केट के जैसे हम बनाए हैं, तो मार्केट के जैसे हम सर्व भी करेंगे। तो ये मैंने डिब्बा ले गया है, अब इसमें ऐसे लगा देंगे। ये देखिए ऐसे, ऐसे देखिए, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। देखिए मैंने फ्रेश एकदम घर में बनाया, नारियल का बुरादा भी मैंने घर में ही बनाया था, गोले से बनाया था। तो ये देखिए लौकी की लड्डू बनके रेडी हो गया। अगर इसकी अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक बाय बाय।